बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास की मैथ का यूनिट नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं बेटे। तो एक्सरसाइज 3.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, तो उसके नोट्स आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। यानी एक ही एक तरतीब से आप लोग पूरी क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाए। 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग आज बेटे। तो इसमें सबसे पहले जो 3 सवाल आते हैं उसमें है बाइनरी नंबर्स जो हैं, यानी इस्लाही निज़ाम के जो नंबर्स उनकी जमा और तफरीक है। पहले 3 पहले 4 जो उसमें, तो पहला जो देखें 101 raised to 111, इसको कहते हैं अमूदी तरीका। ये परपेंडिकुलर मेथड है, इसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो वैसे जमा करना है जैसे हम लोग करते हैं, बस एक दो चीज़ों का ख्याल रखें। अब 1 + 1 क्या होता है? 2। लेकिन ये किस निज़ाम के नंबर हैं? ये है इस्लाही निज़ाम के नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम के नंबर हैं ये। और बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं? सिर्फ 2, 0 and 1। तो 2 तो आता ही नहीं है उसमें, हम 2 नहीं लिख सकते यहाँ। तो 1 + 1 आ गया 2। तो जैसे ही 0 1 के 0 1 से नंबर बढ़ेगा तो हम उसको 2 पे तकसीम करते हैं। जैसे 1 + 1 हमारे पास क्या आया बेटे? 2 आया ना। तो इस 2 को हम लोग 2 पे रख के तकसीम करेंगे। 2 1 2 0 रिमाइंडर, तो हमारा आंसर क्या आया? 2 = 1 0, यानी 2 बराबर किसके है? 10 के। तो 2 is not equal to 2, 2 is equal to 1 0। अब सवाल यह है कि 1 0 में से हमें क्या लगाना है? 0 लगाना ऑब्वियसली। तो 0 लगाया, अब 1 कैरी आ गया। अब 1 + 0 1 और 1 + 1 2, 2 = 10, 10 का लगा 0 यानी 1 0। फिर 1 कैरी आ गया, अभी हो गया 3। अब 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 को रख के 2 पे डिवाइड किया, 2 1 2 1 भी मीटर, तो आ गया 1 1, 3 = 1 1। तो लगाएं 1 1, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 1 का 1 1 ही आ जाएगा। बेटा जी ये हमारा आंसर आ गया सिंपल। जैसे ही नंबर 0 0, जैसे नंबर 1 से बढ़ेगा उसको हमने 2 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसके हिसाब से आपने वैल्यूज पुट करनी है। आगे और चीज़ देखें जरा इसको। अच्छा पहले रकम में देखिए कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और दूसरी रकम में कितने डिजिट्स हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 11 डिजिट्स हैं, इसमें 10 डिजिट्स हैं। इसको लिखते हुए आपने ख्याल रखना है, आपने एंड से स्टार्ट करना है। इस 1 को पहले लिखना है, इस 1 को, ये 1 आ गया इसके नीचे, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर 0, फिर 1 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0 और फिर 1, यहाँ तक नंबर चलेगा ये। और ये इनको हमने करना है प्लस एड, एडिशन का साइन लगा दें। वैसे ही 1 + 1 2 2 = 1 0 0 लगा 1 करें, 1 + 1 + 1 3 3 = 1 1 1 लगा 1 कैरी, 1 + 1 + 1 3 3 = 1 1 1 लगा 1 कैरी। अब 0 + 0 1 और 1 कैरी का जो है 1 कैरी जो था वो वैसे आ गया, 0 + 1 1 0 + 1 1 1 + 0 1 0 + 1 1 0 + 0 0 1 + 1 2 2 = 1 0 0 लगा 1 कैरी 1 + 1 2 2 = 1 0 1 0 का 1 0 हो जाएगा, क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है। तो ये हमारा आंसर। बेटा जी ये है बाइनरी नंबर सिस्टम के नंबर्स की एडिशन, सनाई अददी निज़ाम के नंबर्स की जमा। आप इसको, इस वीडियो को इधर आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम इसकी तफरीक करेंगे। तो जूस नंबर 3 है जी हमारा, इसको माइनस करना है हमने। पहली रकम को ऊपर लिखा, दूसरी रकम को नीचे लिखा, माइनस कर दिया। 1 में से 0 माइनस किया 1, 1 में से 0 माइनस किया 1, 0 में से 0 माइनस किया 0, 1 में से 0 माइनस किया 1, 1 में से 1 माइनस किया 0, बेस 2, ये हमारा आंसर। अब जूस नंबर 4 ये चौथा जो पार्ट है, पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट वाली रकमों को हमने हल करना है। ब्रैकेट में अगर आप देखिए तो ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 0 + 1 1 1 + 0 1 0 + 0 0 1 + 1 2 2 = 1 0 हमने किया हुआ है, ये हमारा एडिशन करके आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, पहले ऊपर वाली रकम लिखेंगे, माइनस कैसे करेंगे? 111 base 2 1 0 0 1 1, ये गलत हो गया, तरतीब हमारी गलत हो गई है। हमने इस तरह स्टार्ट करना है कि आखिरी हिस्सा आखिरी हिस्से के नीचे आए, इधर से स्टार्ट करेंगे 1 1 0 0 1 base 2। अब इनको करेंगे माइनस, 1 में से 1 गया 0 1 में से 1 गया 0 0 में से 0 गया 0 1 में से 0 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा 1 का 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आपके जूस नंबर 4 के हो, इस तरह ये चारों चीज़ आपने होमवर्क में कर लेने बेटे। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसकी एडिशन करेंगे इंशाल्लाह। बाकी सवाल अल्लाह हाफिज़।